रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में उल्टी दस्त की घटना घटित होने के बाद रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को दो मामलों में निगम भिलाई ने नोटिस समाया है। रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवासीय प्रयोजन के लिए भवन अनुमति प्राप्त की गई थी, लेकिन निर्मित भवन का उपयोग अवैध रूप से रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग नामक शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293, 294 व 301 का उल्लंघन है। आयुक्त ने नोटिस में यह भी कहा है कि निर्मित भवन का शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग तत्काल बंद कर पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर निगम कार्यालय में भवन अनुज्ञा शाखा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भवन अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें। इधर रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को दूसरा पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें हॉस्टल प्रबंधन द्वारा छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय एवं छात्रावास भवन परिसर में साफ सफाई, फायर सेफ्टी, पंजीयन एवं उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जांच में जल शुद्धिकरण यंत्र क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में पाया गया था। इन सभी के संबंध में भी जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त रमेश मिश्रा और विजय लक्ष्मी को भी नोटिस जारी करते हुए आवासीय प्रयोजन हेतु लिए गए भवन अनुज्ञा छात्रावास संचालित करने को लेकर छात्रावास को तत्काल बंद कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। देखिए, अभी जो रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी है उसको नगर निगम भिलाई ने नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करने का कारण ये है कि जो आवासीय क्षेत्र है और जिसके लिए भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र आवासीय के माध्यम से ली गई थी, आवासीय प्रयोजन के लिए ली गई थी, परंतु वहाँ पे छात्रावास का और एजुकेशन का जो संचालन किया जा रहा था उसको लेकर निगम ने नोटिस जारी किया है कि तत्काल आप छात्रावास को बंद करके 3 दिवस के भीतर में सूचना देंगे। और कुछ पार्ट ऐसे थे जिसमें भी जो उल्टी दस्त की शिकायतें जो प्राप्त हुई थी और लगातार जो है छात्राओं के साथ ये घटना हुई थी, जैसे ही इनकी जानकारी निगम प्रशासन को लगी और उसके बाद जो जाँच भी की गई, कई जांच में पाया गया कि जिसमें जो वाटर प्योरीफायर वगैरह हैं जो लगे हुए वो खराब हैं, जर्जर स्थिति में है। तो इस प्रकार के लापरवाही के लिए भी जो है निगम ने नोटिस जारी किया है। तो ऐसे एजुकेशन सोसाइटी को 2 नोटिस जो है निगम ने अलग अलग मामलों में लेके जारी किया है। गौरतलब है कि घटना की जानकारी मिलते ही महापौर नीरज पाल छात्राओं से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान मामले की जाँच करने एवं मामले में उचित कार्रवाई करने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से चर्चा भी की थी। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने तत्परता दिखाते हुए रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी कर उचित जवाब मांगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।